हाय क्या दोस्तों, कैसा है? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, पता है, मतलब काफ़ी वक्त हो गए। मैंने अभी भी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने अपने चैनल पे, मगर आज का मौका खास है क्योंकि बहुत दिनों बाद, मतलब लिटरली मतलब हाँ कुछ दिनों के बाद ही मेरा डैडी यहाँ से मेरे से मिलने आया है। मतलब मिलने नहीं आया, एक्चुअली शूटिंग करने आया है। अभी वो शूटिंग करने के टाइम में हम लोग बहुत मस्ती किया, बहुत क्या कर किया, खाना उना खाया, कुछ खाया, मतलब समझ जाओ। और आप लोग सोच रहे होंगे अब ये कौन है, मतलब मेरे डैडी के बारे में सोच रहा हूँ। आपको बता दूँ, ये मेरा पिताजी, जिसका नाम है रोनी डी संगमा। माफ़ करना आपका नाम ले रहे हैं, मगर ये है मेरा पिताजी रोनी डी संगमा। ये हम लोग का यहाँ, मतलब हम लोग गारो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अभी ये मेरा गारो कम्युनिटी का, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये गारो हिल्स का सुपरस्टार है। एंड आई गेस मेरे लिए तो आइडल जैसा ही है, बिकॉज कैसे बोलेगा, आज तक जितना भी काम देखा है, जितना भी काम सीखा है, और जितना भी यहाँ तक कि मेरा डांस भी, मेरा गुरु भी यही है, सब कुछ है। और बस बोल नहीं सकता, मतलब ये मतलब मेरा सबसे दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा दोस्त है। हाँ, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और एक ही लड़का है। वो आप तो पहचानता होगा इसको, ये DIG टॉप 16 में भी था 2011 को। अभी हम लोग ये मेघालय से बिलोंग करता है, तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट मूवी भी बनाता है, बस हाँ पिक्चर उक्चर बनाता है, प्रोडक्शन अपना है बस। तो आज में हमने आया इसका कॉलेज पे आया आके, आज में हमको क्रिसमस का गाना बनाना था, तो मिल गया, बस यही खुशी से अच्छा से। तो ओके दोस्तों, हम थोड़ा अभी और एक और बात, जल्द ही हम अपना नया वीडियो, मतलब सॉरी मेरे पास में मेरा थोड़ा तंग रोल हो रहा है, माफ़ करना, मगर जल्दी हम मेरा नया कंटेंट अपलोड करेगा। बिकॉज भाई बहुत टाइम हो गया, मैंने डांस लिटरली बोल सकता है कि हम डांस भूल ही चुका है, मगर हम शायद भूल तो नहीं सकते, मगर थोड़ा दिमाग से निकल गया, मगर अभी करेगा। सो इंतज़ार करना और देखेंगे बात की बात। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।